हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, ये हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। तो इस वीडियो में हम पहले 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बैक ओपन चोली बनाएंगे। देखिए, ये पीछे से ओपन है और ये वूलन ड्रेस है गोपाल जी की। देखिए, तो ये बैक ओपन चोली हम बनाएंगे। इसको हम गोपाल जी को पहना करके भी दिखाएंगे किस तरह से लगती है। ड्रेस बहुत प्यारी है। अगला वीडियो इस ड्रेस का आ जाएगा, पूरा घेरे का और सारा पूरा कंप्लीट वीडियो इसके बाद का आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये वाली चोली बनाएंगे। ये वाली चोली हमने पहले बनाई है, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, लेकिन उसमें बहुत ही कुछ काम की वजह से उसमें पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत आ रही है। तो बहुत लोगों का कहना है कि मैम, ये वाला वीडियो फिर से अपलोड कर दीजिए। तो चलिए, ये वाली चोली हम फिर से अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 4 प्लाई वूल ली है हमारी और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। देखिए पास से, तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे इस तरह से। पहले तो लूप बना लेंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल हमने 19 चेन बनाई है, 19। और अब हम 3 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 और 3, और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए पास से, देखिए यहाँ पर 1 लिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से 2 निकाल देंगे, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। और फिर से सेम चेन में दूसरी बार, शुरू में हमने 1 बनाया, देखिए 3 की चेन थी इसलिए, और नेक्स्ट में हमने 2। अब हमें हर एक चेन में 2 2 ही बनाने हैं। देखिए ऐसे 1 और सेम प्लेस पर 2। तो ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2 2 बार बना लेना है, ऐसे हर एक चेन में 2 2 बार। तो देखिए, राउंड थोड़ा सा हमारा बाकी है, तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ देंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे, तब 7 ले लेंगे ऐसे। ये जो शुरू में थोड़ा सा धागा है उसे हम इस साइड मोड़ करके इसको 7 ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त ऐसे। हर एक चेन में 2 2 बार ही बनाना है। ऐसे, और अब हमारी आखिरी चेन है, इसके अंदर हम 1 बार बनाएंगे ऐसे। आखिरी चेन में हमने 1 बार बनाना है। इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो देखिए, पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 31 डबल क्रोशे है, 31। देखिए, तो अब हम राउंड को पलट करके दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राउंड को पलट देंगे, आखिरी में 1 बनाया, 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर लूप लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर 3 चेन आ गई, तो नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। 1 बार बनाया और फिर ये दूसरी बार, तो 3 की चेन को साथ में गिन करके 3 डबल क्रोशे हो गए हमारे। और अब हम चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। देखिए ऐसे 3 चेन में 1 1 और चौथी चेन में 2। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा, दूसरा और ये तीसरा, 3 में हो गया। अब ये चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे।
तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, तीन चेन में एक एक और चौथी चेन में दो। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, यहाँ पर दो बना लिया, फिर एंड में हमारा तीन चेन में एक एक आएगा। देखिए एक, नेक्स्ट में दो और नेक्स्ट में तीन, तीसरा वाला जो है वो चेन में आएगा, आखिरी वाली जो तीन चेन होती है इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर तीन था, सॉरी दो बनाया था, तो इसके बाद तीन चेन में एक एक आया। और अब हम यहाँ पर राउंड को पलट देते हैं तीन चेन लेकर के, और ये दूसरी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 38 डबल क्रोशे है। और अब हम इस तरह से पलट दिया और इसके ऊपर तो तीन चेन आ गई, नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। तीन की चेन को साथ में गिन करके हमें 6 करना है, ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छ, छ हो गया। तो देखिए 6 हो गए हमारे। अब हमें यहाँ पर बाजू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमें स्किप करना है, 9वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये बाजू के लिए हॉल बन गया, और फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7, ये सातवां है, 8 9 और ये 10, 10 हो गया। फिर लूप लेंगे, 8 बार स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया, ऐसे। फिर से 6 बार बनेगा हमारा, ऐसे 3 4 5 और ये 6। तो देखिए इतनी सी चोली बना करके आप गोपाल जी को पहना करके देख लीजिए कि आपका सही आ रहा है या नहीं, फिर इसके बाद आगे बनाइए। देखिए इतनी सी बन जाए उसके बाद गोपाल जी को पहना दीजिए। तो देखिए तीन रो बन गई है, अब हम वापस से एक रो डबल क्रोशे की करेंगे, फिर इसके बाद एक रो सिंगल क्रोशे की, तीन चेन बना दी। और ये हमारे अब जो डबल क्रोशे है, यहाँ पर हमने 8 8 स्किप कर दिए, उसके बाद 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 12 और 10 यहाँ पर, तो 22 हो गए, 22। तो 22 के ऊपर 22 हमें बना लेना है। देखिए हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, देखिए। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर बाजू के हॉल के ऊपर देखिए, देखिए ये वाली चेन आ गई। आप चाहे तो हॉल के अंदर डाल करके भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं, या तो आप चेन में भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन 22 के ऊपर 22 इस तरह से बना दीजिए हर एक के ऊपर एक एक बार। तो देखिए डबल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई, अब एक चेन लेंगे और पलट देंगे, और अब हमने एक एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारी आखिरी रो है, ऐसे। तो ऐसे करके राउंड कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो देखिए सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई है, अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, यहाँ से चोली को जॉइंट कर देंगे। पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया, और अब हम घेरा बनाना स्टार्ट साइड से करेंगे, यहाँ से। तो स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चले जाएंगे, ऐसे। ऐसे अगर आप दूसरे कलर से चोली, सॉरी घेरा बनाना है आपको, तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करके धागा काट दीजिए।
तो अब हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन हमने स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक साइड के लिए लेके आ गए। देखिए अब हम इसकी किनारी बनाएंगे गले पे और बाजू पे। तो देखिए इसके लिए हमने ग्रीन कलर लिया है, येलो धागे को हम यहीं पर रहने देंगे। तो ऐसे करके यहाँ से धागे को स्टार्ट करेंगे, ऐसे एक चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया एक बार, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक बनाया, फिर सेम प्लेस पर दूसरा बनाया, फिर से एक चेन, फिर से इसके अंदर एक बनाया, फिर से दूसरा बनाया, फिर से एक चेन। अब ये हमारा कॉर्नर वाला आ गया, आखिरी वाला। तो इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक दूसरा, फिर एक और दो चेन बनाएंगे और वापस से इसके अंदर दो बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं ऐसे, तब यहाँ पर हमारा कॉर्नर इस तरह का बनेगा। और अब हमने दो दो स्किप करके इसके बीच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए दो दो स्किप करके इसके बीच में ऐसे क्रोशे को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो नेक पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर बीच में डालते हैं। देखिए यहाँ पर दो दो स्किप करना है हमने, देखिए ऐसे। और आखिरी में हमने तीन स्किप कर देना है और सीधा हम चेन में ले लेंगे। देखिए ऐसे फिर से दो दो सिंगल क्रोशे बनाए, अब दो चेन, उस साइड किया था वैसा ही, फिर से दो बार सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन और वापस से जो डबल क्रोशा था उसके ऊपर दो दो सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर दो बार सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे, फिर इसको नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे ऐसे। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा जो है वो पीछे आएगा, बैक ओपन चोली है हमारी। तो अब हम बाजू के लिए स्टार्ट करेंगे। इस तरह से लूप बना लेंगे और ऐसे करके चेन बना देंगे, फिर हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। दूसरी साइड भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आगे से स्टार्ट किया था, यहाँ पर यहाँ पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे। बनाने का तरीका सेम ही है, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे, जितने भी चेन है सभी में एक एक बना दीजिए। ऐसे धागे को लंबा रख करके काट दीजिए। अब आप सभी धागे के अंदर निडल में पिरो करके नॉट लगा दीजिए और ये एक्स्ट्रा धागा जो है वो कट कर दीजिए। तो नॉट लगा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बाजू वाला धागा जो है वो नीडल में पिरो लिया है।
तो इसे इसके अंदर निकाल देंगे पहले तो, और फिर उल्टा करके ऐसे अंदर के साइड धागे को घुमा देंगे। यही जो ग्रीन किया है हमने, इसी के अंदर इस तरह से घुमा देंगे ऐसे, तो नोट भी कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी ऐसे। तो यहाँ पर अच्छे से घुमा दीजिए धागे को ऐसे, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टिच करके, अगर धागा बच जाता है तो वापस से एक बार इस तरह से घुमा दीजिए और फिर एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए, सभी नॉट इस तरह से लगा दीजिए। तो देखिए हम गोपाल जी को पहना करके दिखाएंगे कि ये वाली चोली अगर है तो आप ड्रेस किस तरह से गोपाल जी को पहना सकते हैं। देखिए ये मेरे 4 नंबर के गोपाल जी है, लेकिन ये जो चोली है वो 4 और 5 नंबर दोनों गोपाल जी को आ जाएगी। देखिए इस तरह से पहले हम ये नीचे वाला हाथ डाल देंगे और फिर ये वाला ऊपर वाला हाथ डाल देंगे ऐसे। फिटिंग देखिए बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है। देखिए आप बाज़ार से अगर ड्रेस लाओगे तो इस तरह की फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसी फिटिंग आती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और चोली जब हम बनाते थे तब हमने आपको बताया था कि इतनी चोली बन जाए उसके बाद पहना करके देख लीजिए, जब हमने जॉइंट नहीं किया होता है इससे पहले। देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कोई क्लिप वगैरह बनाना चाहे सॉरी करना चाहे यहाँ पर तो कर सकते हैं, वरना ऐसे ही एडजस्ट रह जाती है बहुत ही अच्छे से। देखिए तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।